तो भाई आर्यन लेने आ गया था मैंने, मेरे को आर्यन लेने आ गया था देशम बॉय, इसकी बाइक पे देखो इतनी सर्दी, मेरे को लेने आए देखो आप कितनी सर्दी हो रही, समझ सकते हो भाई। सो गाइस अभी आर्यन के घर पे आ गए थे, आर्यन मेरे को लेने गया था स्टेशन से, तो स्टेशन से ले आया था ये, सीधा घर पे ले आया, बोला चाय वाय पी के जाना, कई दिन में घर पे आया इसीलिए। तो गाइस नया सिस्टम ले आया है, वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज मैं हूँ तैयार कहाँ के लिए, घर जाने के लिए। मैं जा रहा हूँ आज घर, जयपुर छोड़ के जा रहा हूँ मैं, परेशान हो गया जयपुर में यार, इसकी वजह से मैंने क्या कर दिया तेरा भाई, इसकी वजह से परेशान हो गया। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के जयपुर छोड़ के, मैं आऊँगा अब जयपुर वापस कर, ट्रेन में ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूंगा, अगर ब्लॉग कंटिन्यू मतलब अच्छा खासा 6-7 मिनट का बन गया तो ही अपलोड करूँगा इस ब्लॉग को, वरना इस ब्लॉग को अपलोड भी नहीं करूँगा, हाथ दर्द करने लगता है ऐसे कि फ़ोन को पकड़े ऐसे, पता नहीं क्या हुआ। तो भाई एक बार फटाफट चलते हैं, अभी मैं अंकित की दवाई लेके आता हूँ विद्याधर नगर से, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ से दवाई लेके आने के बाद फिर उसके बाद में ट्रेन है, उस फिर ट्रेन के टाइम से पहुँच जाऊँगा तो ठीक है, वरना इसके साथ जाऊँगा बसों में, इसको मैं छोड़ दूंगा कहाँ, मनोहरपुर स्टॉल पे, और मैं आगे सीधा निकल जाऊंगा। ओके तो मिलते हैं थोड़ी देर में। चाय पिया मैंने यहाँ पे बैठ के स्टेशन पे, तो अभी पैसे करने गए उसके, कोट देखो पिक्चर्स कैसे हो रहा है इसका, छोड़ने आए स्टेशन तक। मैं बोला, मैं तो कह रहा था इसको भाई मत जा, मैं छोड़ के तेरे को सी ऑफ करके आऊँगा, तेरे को छोड़ के ही आऊँगा, इससे फिर इसको लेके आना पड़ा इसलिए। किराया भी पैसे, और बता मेरी याद आएगी क्या, नहीं आएगी, मैं तेरे को लेके नहीं आ रहा था, पर तू जबरदस्ती आया मेरे साथ, मैंने कहा था भाई तू रहने दे परेशान होगा, क्या बताऊँ यार तू परेशान हो, तेरे को और तो ये तेरे ही थी कि मैं तेरे को सी ऑफ करूँगा एक लास्ट टाइम जाते हुए, गुस्सा। ट्रेन आ गई, अभी मैं चलता हूँ, मेरा टाइम लगेगा। सो फाइनली गाइज हम जयपुर से ट्रेन में बैठकर निकल चुके हैं, जस्ट अभी निकले हैं, लगभग टाइम तो था ट्रेन का 1:05 का, लेकिन ट्रेन ना थोड़ी लेट हो गई थी, लगभग 1:09 या 1:10 के आसपास निकली है जयपुर से, तो देखो कितनी धीरे धीरे चल रही है, काफ़ी धीरे धीरे चल रही है। अभी स्टेशन आने वाला है डेरगा बालाजी, तो जयपुर से वो 4 किलोमीटर दूर ही है, तो शायद इसलिए धीरे धीरे चल रही होगी, पता नहीं क्या कुछ सीन है। मैं तो सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी चले तो जल्दी जल्दी पहुँचा दे। तो गाइज अभी आ गए हैं हम शायद झुंझुनू के आसपास आ गए, मैंने अभी देखा नहीं उस ऐप में वेरीज माई ट्रेन में, तो वैसे ही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, तो लगभग यहाँ से लोहारू रह जाता है लगभग 1 घंटे का रास्ता और है, मतलब 1 घंटा मेरे को ट्रेन में और बिताना पड़ेगा, काफ़ी बोर हो गया हूँ यार गाइस, मैं पता ही नहीं क्या करूँ, बताओ आप क्या करूँ। सो फाइनली गाइस आपको पता ही लग गया होगा देख के, अरे भरे खेत हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, बताओ दिखा कहाँ पहुँच गए, हम पहुँचने वाले हैं बस सीधा लोहारू, थोड़ी देर में लोहारू पहुंच जाएंगे, हरियाणा का वो बॉर्डर आ चुका है। आपको ये पता नहीं क्या चीज़ है, आपको पता हो तो गाइस कमेंट में बताना ये क्या चीज़ है, मेरे को तो पता नहीं लगा क्या चीज़ है ये। तो गाइस मैं पहुंच गया था लोहारू स्टेशन पे लगभग 5:30 के आसपास मैं उतर गया था यहाँ पे, तो मेरे को क्या है कि ट्रेन चेंज करनी पड़ती है सतनाली के लिए, दूसरी ट्रेन आएगी यहाँ पे, तो उसी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ अभी, वो ट्रेन कम से कम भी 20-25 मिनट लेट दिखा रहा है उसमें वेरीज माई ट्रेन में, मैंने ये भी चेक किया था। तो गाइज मैंने तो काफ़ी देर हो गया वेट करते करते, लेकिन ट्रेन नहीं आई अभी तक मेरी, ये सीख कर जाएगी ये वाली ट्रेन भी आ गई कब की, पता नहीं हमारी वो ट्रेन कब आएगी, मेरे को तो जल्दी हो रही है घर जाने की, फटाफट ट्रेन आ जाए और मैं पहुंच जाऊँ। so guys,
तो भाई आर्यन लेने आ गया था मैंने, मेरे को आर्यन लेने आ गया था, देख लो हैंडसम बॉय इसकी बाइक पे, देखो इतनी सर्दी मेरे को लेने आए, देखो आप कितनी सर्दी हो रही, समझ सकते हो भाई गांव में सर्दी है जबरदस्त है ना, गांव में जबरदस्त सर्दी हो रही है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सर्दी मिलेगी गांव में, अभी जा रहा हूँ उसके ऊपर इसके घर पे जाके आऊंगा, हिमांशु यहीं है के, जबरदस्त ठंड हो रखी है, हाथ फिर गए। सो गाइस अभी आर्यन के घर पे आ गए थे, आर्यन को लेने गया था स्टेशन से, तो स्टेशन से ले आया था ये, सीधा घर पे ले आया, बोला चाय वाय पी के जाना, कई दिन में घर पे आया इसीलिए, तो चाय पी लेते हैं, अभी वो उधर गए और कुछ काम से आएगा दिखाऊंगा आपको, ठंड और की बाकी यार ज़बरदस्त गांव में, तो शहर में तो मैंने बताया था आपको कि ठंड बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब सुबह 8 बजे धूप निकल जाती थी, यहाँ पे बता रहे हैं कि धूप निकलती नहीं सारा सारा दिन, तो काफ़ी ख़राब मिट्टी होने वाली है लगभग लगता है मेरे को, तो एक बार चाय वाय पीते हैं, टाइलर मेरा दोस्त मेरा भाई आने लग रहा है मेरे को लेने के लिए यहाँ से, फिर हम जाएंगे दोनों साथ में घर, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सो भाई चलते हैं, फ्लैश मत लगाओ रे, अभी जा रहे हैं हम घर, चाय वाय पी ली, कचोरी खिला दी आर्यन ने, मैं तो मना कर रहा था लेकिन क्या बताऊँ उस पागल ने, कचोरी मस्त थी, चले भाई चले कल मिलते हैं, कल फोटो शूट करेंगे सोसाइटी में अपने, ओके ओके घर पे आते ही मैंने इसके साथ की थोड़ी ऐसी मस्ती, मियाऊ कहाँ दिख गई, मियाऊ तेरे को कवर में मियाऊ दिख गई क्या, घर पे आके खाना खा लिया था, मार मत मियाऊ देख रहे, मियाऊ मियाऊ हेलो गाइज कर दे, हेलो गाइज बोल दे, गाइज हेलो बोल दे, तो हेलो हेलो बोल, हेलो हेलो गाइज बोलो, हेलो गाइज, भाई नया सिस्टम ले आया है, भाई के पास नया सिस्टम ले लिया है, अच्छा भारी बहुत है, काफ़ी मोटा है, तो पैन कार्ड, पापा का आधार कार्ड, मेरा दो अकाउंट है दोनों, मेरा आधार कार्ड 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, ये भाई जी माइक है वॉइस ओवर करने के लिए, मैं भी यही लेके आऊँगा, ये ले आपको बता दो, भाई पीछे गाना बज रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दिखा देंगे ये दे लिया सिस्टम, अच्छा बड़ा ले रहा, मेरे तो भी काफ़ी बड़ा है तो हेडफोन, लाइट लुइट भी ऑन हो रहा है इसमें, तो सही ना, मैं ब्लू ग्रीन सिस्टम खोल दिया भाई का, तो जो मैं लेके जाऊँगा एक्सटेंशन, मेरे पास एक्सटेंशन नहीं है, तो गाइज मैंने इसको गिफ्ट में दे दिया ये लेते ले गिफ्ट, ये ईयरबड्स गिफ्ट में दे दिए ब्रो, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभारी हूँ, ये मेरे से मिलने आया, ये दो चीज़ ये दो और गिफ्ट में दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ, चरण कहाँ पे आपके ये बता दो मेरे को, ये रे चरण, ये रे ले घड़ी भी गिफ्ट नहीं दे रहा तेरे को, ये तो 8:26 हो गए। सो गाइस अभी घर पे आ गए थे, खाना वाना खा लिया था, मैंने आपको दिखाया होगा थोड़ी देर, मतलब डीलर के पास चला गया था घर पे आने के बाद, फिर खाना खाया, फिर मैं अभी बस सोने की तैयारी में हूँ, भी ब्लॉग एडिट करूँगा आज का, तो आज मैं आ गया था घर, आपको पता ही है काफ़ी ठंड हो रखी है यहाँ पे, तो ये पता नहीं क्या होगा, फोन सी होगी शायद, पता नहीं गर्मी होगी, तो गाइस होप करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सारी चीज़ कर देना आपको पता ही है, तो बस अभी ब्लॉग एडिट करूँगा, तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था, जय श्री राम।